मॉक टेस्ट, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, प्रश्न पत्र एक, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। प्रश्न संख्या एक, कथन ए, ओडिशा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण आर, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैनग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, ए एवं आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ए एवं आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे तथा इसकी राजधानी थानेश्वर थी। कथन दो, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच तुंगभद्रा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करें। कूट ए, केवल एक सही है। कूट बी, केवल दो सही है। कूट सी, दोनों सही है। कूट डी, न ही एक और न ही दो सही है। उत्तर है कूट ए, केवल एक सही है। प्रश्न संख्या तीन, निम्नवत में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन बी, विधि के समक्ष समता का अधिकार। ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उत्तर है ऑप्शन ए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। प्रश्न संख्या चार, हिंदू महासभा कांग्रेस की प्रतिद्वंद्वी नहीं अपितु तो उसके कार्य के अनुपूर्ति और सुदृढ़ बनाने के लिए है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रश्न संख्या पांच, निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्यों में देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना और सबसे महत्वपूर्ण देश में जनमत को प्रशिक्षित करना एवं संगठित करना शामिल था। कथन दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कूट ए, केवल पहला। कूट बी, केवल दूसरा। कूट सी, दोनों। कूट डी, न ही पहला और न ही दूसरा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या छह, यदि संसद को नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची। ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची। ऑप्शन डी, पांचवी अनुसूची। उत्तर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। प्रश्न संख्या सात, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करता है। ऑप्शन बी, ये चुनाव चिन्ह का बंटवारा करता है। ऑप्शन सी, ये मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी, ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाता है। उत्तर है ऑप्शन ए, ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करता है। प्रश्न संख्या आठ, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नवत कथनों पर विचार करें। कथन एक, ये राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। कथन दो, ये संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन करता है। कथन तीन, संविधान का अनुच्छेद 324 एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। ऑप्शन ए, केवल पहला। ऑप्शन बी, केवल तीसरा। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा एवं तीसरा। उत्तर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा एवं तीसरा, तीनों सही। प्रश्न संख्या नौ, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट निकालने की अधिकारिता का विस्तार किया गया जिससे वो न्यायालय उसके राज्य क्षेत्र की अधिकारिता के बाहर स्थित सरकार या प्राधिकारी के विरुद्ध रिट निकाल सकती है यदि वाद हेतुक उसकी अधिकारिता के भीतर उद्भूत हुआ है? ऑप्शन ए, 14वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी, 17वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी, 19वां संविधान संशोधन। उत्तर ऑप्शन डी, 19वां संविधान संशोधन। पृष्ठ संख्या 142,
प्रश्न संख्या 10, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी पद्मजा नायडू, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी पद्मजा नायडू। प्रश्न संख्या 11, विधानसभा के सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय निम्नवत में से कौन लेता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी विधानसभा के स्पीकर। उत्तर ऑप्शन सी राज्यपाल। प्रश्न संख्या 12, निम्नवत कथनों पर विचार करें। नंबर एक, भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय है। कथन दो, संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। कथन तीन, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। कूट ए केवल पहला, कूट बी केवल तीसरा, कूट सी पहला और दूसरा, कूट डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर है कूट डी पहला दूसरा एवं तीसरा। प्रश्न संख्या 13, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन सी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक युग से। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था। नंबर दो, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। उपर्युक्त कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करें। कूट ए केवल पहला सही, कूट बी केवल दूसरा सही, कूट सी पहला और दूसरा दोनों सही है, कूट डी नहीं पहला और नहीं दूसरा सही है। उत्तर है कूट सी पहला और दूसरा दोनों सही है। 15वां प्रश्न, सूची एक एवं सूची दो से सुमेलित करते हुए सही कूट का चुनाव कीजिए। सूची एक जैन तीर्थंकर, ए ऋषभदेव, बी शांतिनाथ, सी आरिष्टनीमी, डी महावीर। सूची दो प्रतीक चिन्ह, नंबर एक सांड, नंबर दो हिरण, नंबर तीन शंख, नंबर चार सिंह। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, सी वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से सूची एक जैन तीर्थंकर ए ऋषभदेव का सही मिलान है, सूची दो प्रतीक चिन्ह एक सांड से, सूची एक जैन तीर्थंकर बी शांतिनाथ का सही मिलान है, सूची दो प्रतीक चिन्ह नंबर दो हिरण से, सूची एक जैन तीर्थंकर सी अरिष्टनेमी का सही मिलान है, सूची दो नंबर तीन प्रतीक चिन्ह शंख से, सूची एक जैन तीर्थंकर डी महावीर का सही मिलान है, सूची दो प्रतीक चिन्ह नंबर चार सिंह से। 16वां प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कथन दो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। कथन तीन, इसके प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल नहीं कर सकती हैं जिन्होंने लोक नीति प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कूट ए केवल पहला, कूट बी केवल तीसरा, कूट सी पहला एवं दूसरा, कूट डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर है कूट सी पहला एवं दूसरा। 17वां प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज स्थापित किया? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी कण्व वंश, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन बी कण्व वंश। 18वां प्रश्न, निम्नवत कथनों पर विचार करें। नंबर एक, मोइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। कथन दो, भारत में सूफियों की चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। उपर्युक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए केवल पहला सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी नहीं पहला और नहीं दूसरा सही है। उत्तर ऑप्शन सी दोनों सही है। 19वां प्रश्न, किसे नाना साहब के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ को, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव को, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव को। पृष्ठ संख्या 143, प्रश्न संख्या 20, उस बहमनी शासक का नाम बताएं जिसकी निम्नवत विशेषताएं थीं। नंबर एक, उसे कुरान की टीकाओं एवं इस्लामी कानून का बहुत अच्छा ज्ञान था। नंबर दो, वनस्पति शास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों ज्यामिति तर्कशास्त्र आदि में उसकी विशेष रुचि थी। नंबर तीन, वो अपनी हर पत्नी से अलग अलग भाषा में बातें करता था। नंबर चार, उसने ओल्ड टेस्टामेंट व न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ी थी। वो सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का आदर करता था।
ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह तृतीय, ऑप्शन डी फिरोज शाह बहमनी। उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज शाह बहमनी। 21वां प्रश्न, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, इसके संदर्भ में निम्नवत कथनों पर विचार करें। कथन एक, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर। नंबर दो, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। नंबर तीन, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। नंबर चार, धन विधेयक पर। उपर्युक्त कथनों के आधार पर कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए पहला एवं दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन सी पहला तीसरा एवं चौथा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा। उत्तर ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा। प्रश्न संख्या 23, निम्नवत कथनों पर विचार करें। नंबर एक, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नंबर दो, 21वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। नंबर तीन, 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो डोगरी मैथिली तथा सिंधी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। उपर्युक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी पहला एवं दूसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक कथन, बंबई के बाल शास्त्री जांबेकर समाज सुधारकों में प्रमुख थे जिन्होंने दर्पण नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। नंबर दो, 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। उपर्युक्त में कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी न ही पहला और न ही दूसरा सही है। उत्तर ऑप्शन सी दोनों सही है। 24वां प्रश्न, लॉर्ड मैकाले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, थॉमस मैकाले भारत की पहली कानून समिति के अध्यक्ष थे जिसने भारतीय दंड संहिता द इंडियन पीनल कोड का मसौदा बनाया था। नंबर दो, प्रसिद्ध शिक्षा नीति पर मैकाले मिनट द मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा निर्देश के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के संयुक्त कार्यान्वयन का अनुमोदन किया था। नंबर तीन, 1854 की मैकाले रिपोर्ट द मैकाले रिपोर्ट ऑफ 1854 ने भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए संरक्षण पर आधारित प्रणाली की सिफारिश की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। प्रश्न संख्या 25, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का पद राज्य विधानसभा के सदस्यों की अपात्रता कोष्ठक में अयोग्यता के संदर्भ में अभी हाल ही में समाचारों में था। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, किसी भी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। नंबर दो, जब किसी अध्यक्ष स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव पर राज्य विधानसभा में विचार विमर्श हो रहा होता है तो उस समय उक्त अध्यक्ष स्पीकर राज्य विधानसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। कथन तीन, सदस्यों की अपात्रता के मामलों में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए पहला और तीसरा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 26, जेल में भूख हड़ताल के कारण 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी जतिन दास, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी जतिन दास। 27वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, 8 अप्रैल 1930 को एक मुठ्ठी नमक में लेकर गांधी जी ने सिविल नाफरमानी आंदोलन का श्री गणेश किया। नंबर दो, इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों तथा शराब के बहिष्कार में छात्रों और नौजवानों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण थी। नंबर तीन, इसी आंदोलन के दौरान बच्चों की वानर सेना संगठित की गई और एक स्थान पर लड़कियों ने अलग से अपनी मांजेरी सेना बनाई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा। पृष्ठ संख्या 144,
28वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 29वां प्रश्न, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी द्वारा, ऑप्शन बी एन एम जोशी द्वारा, ऑप्शन सी वीपी वाडिया द्वारा, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय द्वारा। उत्तर ऑप्शन बी एन एम जोशी द्वारा। प्रश्न संख्या 30, निम्नवत कथनों पर विचार करें। नंबर एक, सीमा शुल्क एक प्रत्यक्ष कर है एवं निगम कर राज्य सरकारों द्वारा आरोपित तथा उद्ग्रहित की जाती है। नंबर दो, उपकर भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। नंबर तीन, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 वस्तुओं की अंतरराज्यीय बिक्री पर कर लगाता है और सिद्धांत निर्धारित करता है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्रतिबंध लगाता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर ऑप्शन बी दूसरा एवं तीसरा। प्रश्न संख्या 31, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डॉ राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। उत्तर ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 32वां प्रश्न, निम्नवत वर्गों में से किसने या किन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? नंबर एक साहूकारों ने, नंबर दो जमींदारों ने, नंबर तीन कृषकों ने, नंबर चार खेतीहर मजदूरों ने। निम्नवत कूट की सहायता से उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल पहला सही, ऑप्शन बी केवल तीसरा सही, ऑप्शन सी पहला एवं दूसरा सही, ऑप्शन डी तीसरा एवं चौथा सही। उत्तर है ऑप्शन सी पहला एवं दूसरा सही। 33वां प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम को भारत के लिए पारित सभी अधिनियमों में सबसे महान और उत्तम कहा था? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। उत्तर है ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। 34वां प्रश्न, डेंगू बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, डेंगू बुखार एक संक्रामक वायरल ज्वर है। नंबर दो, डेंगू के वाहक मादा एडिस एजिप्टी मच्छर स्थिर पानी में तीव्र गति से जन्म लेते हैं। नंबर तीन, इसके लक्षणों में अचानक तेज बुखार, सिर बदन आंख और जोड़ों में दर्द तथा कभी कभी शरीर पर लाल चकत्ते या दाने का निकलना आदि शामिल है। नंबर चार, इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर कूट की सहायता से उत्तर चुनें। कूट ए पहला एवं दूसरा, कूट बी दूसरा एवं तीसरा, कूट सी दूसरा एवं चौथा, कूट डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर है कूट डी पहला दूसरा एवं तीसरा। 35वां प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। 36वां प्रश्न, आनुवंशिक इंजीनियरिंग के निम्नवत प्रभावों पर विचार करें। नंबर एक जंतु क्लोनिंग, नंबर दो मानव क्लोनिंग, नंबर तीन रोग प्रतिरोधन, नंबर चार वृद्धि वर्धन। उपर्युक्त में कौन सा सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए पहला एवं दूसरा, नंबर बी पहला दूसरा एवं तीसरा, नंबर सी पहला तीसरा एवं चौथा, डी पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला तीसरा एवं चौथा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव प्रौद्योगिकी की एक विलक्षण आधुनिक जैविक तकनीक है। इसका मुख्य आधार है प्रत्येक मनुष्य में पाया जाने वाला डीएनए पुनरावृत्ति डीएनए रेप्लिकेशन का असमान होना। बी क्लोनिंग से प्राप्त समरूप बच्चों का डीएनए पैटर्न अलग नहीं होता है। सी डीएनए चार प्रकार की आधारभूत इकाइयों एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। डी वंशानुगत बीमारियों की पहचान करने के लिए और उनके चिकित्सा पद्धति का विकास करने के हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। उत्तर है बी क्लोनिंग से प्राप्त समरूप बच्चों का डीएनए पैटर्न अलग नहीं होता। कथन असत्य है। 38वां प्रश्न, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों और वस्तुओं के संरक्षण का विचार निम्न में से किसमें प्रतिष्ठापित है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। उत्तर है सी नीति निर्देशक तत्व। 39वां प्रश्न, तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है?
ए रौलट सत्याग्रह से, बी खेड़ा सत्याग्रह से, सी चंपारण सत्याग्रह से, डी बारदौली सत्याग्रह से। उत्तर है सी चंपारण सत्याग्रह से। प्रश्न संख्या 40। फ्लॉपी डिस्क निम्नवत में से किससे बनी होती है? ए जिंक ऑक्साइड, बी मैग्नेटिक ऑक्साइड, सी कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु, डी उपर्युक्त सभी से। उत्तर है बी मैग्नेटिक ऑक्साइड। पृष्ठ संख्या 145। 41वां प्रश्न, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी जम्मू कश्मीर। उत्तर है सी गुजरात। 42वां प्रश्न, याज कोष्ठक में चर्म रोग, कोष्ठक समाप्त, शरीर को विकृत तथा अपंग बना देता है, ये रोग किसके द्वारा फैलता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फफुंदी, डी कवक। उत्तर है ए जीवाणु। 43वां प्रश्न, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा द ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस AIJS अभी हाल ही में समाचारों में थी, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का विचार भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा, इस सेवा में जिला न्यायाधीश से निम्न स्तर का कोई भी पद सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नंबर तीन, भारत में इस सेवा की संरचना के लिए ये आवश्यक है कि राज्यों की परिषद इसके प्रस्ताव को सदस्यों की जो उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं दो तिहाई बहुमत से पारित करें। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए पहला और तीसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी पहला और दूसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। उत्तर है डी पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है। 44वां प्रश्न, निम्नवत में से परजीवी द्वारा रोगों को पहचाने तथा कूटों की सहायता से सही उत्तर चुने। नंबर एक पेचिश, नंबर दो पायरिया, नंबर तीन मलेरिया, नंबर चार निमोनिया। कूट ए पहला एवं दूसरा, कूट बी दूसरा तीसरा एवं चौथा, कूट सी पहला दूसरा एवं तीसरा, कूट डी पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा। उत्तर है कूट सी पहला दूसरा एवं तीसरा। 45वां प्रश्न, सूरत विभाजन में उग्रवादियों अर्थात गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? ए राज बिहारी घोष ने, बी दादा भाई नौरोजी ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी बाल गंगाधर तिलक ने। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? ए फ्लोरीन कार्बन का बहुत ही उपयोगी बहुरूप है, बी कार्बन नैनोबड नवनिर्मित पदार्थ है जिन्हें पूर्व में खोजे गए कार्बन के एलोट्रोप्स कार्बन नैनोट्यूब और फ्लोरीन को निर्मित करके बनाया गया है, सी डेंड्राइमर नैनो पैमाने पर बने रासायनिक संश्लेष्ट बहुलक होते हैं जिनमें परमाणु एक केंद्रीय कोर से शाखाओं तथा उप शाखाओं में संयोजित होते हैं, डी नैनो बोटस एक जैव माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोब है जो कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है। उत्तर है डी नैनो बोटस एक जैव माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोब है जो कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है। 47वां प्रश्न, कैल्शियम एवं फास्फोरस के निम्नवत सेट में से कौन से इसके उत्तम स्रोत हैं? ए मांस मछली यकृत, बी मछली पालक अनाज, सी अंडे यकृत पालक, डी रोणी दूध पनीर। उत्तर है डी रोणी दूध पनीर। 48वां प्रश्न, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? ए नाइट्रोजन, बी आयरन, सी जिंक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी जिंक। 49वां प्रश्न, निम्न में से किसके या किन के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुमति है? नंबर एक सामान्य विधेयक ऑर्डिनरी बिल, नंबर दो धन विधेयक मनी बिल, नंबर तीन संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी केवल तीसरा। उत्तर है ऑप्शन बी केवल पहला। प्रश्न संख्या 50, निम्नांकित में से विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी तियान है 2, ऑप्शन डी परम युवा 11। उत्तर है ऑप्शन सी तियान है 2। 51वां प्रश्न, विजेट चैनल का निर्माण किस कंपनी ने सर्च इंजन याहू के साथ मिलकर किया है? ए वीडियोकॉन कंपनी, बी इंटेल कंपनी, सी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, डी एचपी कंपनी। उत्तर है बी इंटेल कंपनी। 52वां प्रश्न, प्लाज्मा टीवी एवं एलसीडी टीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। नंबर एक, प्लाज्मा में छोटे छोटे गैस प्लाज्मा सेल्स में पिक्चर बनाने के लिए बिजली प्रवाहित की जाती है जबकि एलसीडी में दो ग्लास प्लेट में मौजूद स्थान में बिजली का प्रवाह किया जाता है।
नंबर दो, प्लाज्मा टीवी एलसीडी टीवी की अपेक्षा ऊष्मा कम छोड़ता है। नंबर तीन, प्लाज्मा टीवी में एलसीडी टीवी के मुकाबले ऊर्जा खपत कम होती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर है ऑप्शन ए केवल पहला। पृष्ठ संख्या 146। 53वां प्रश्न, निम्नवत में से कौन सा या कौन से व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर के विकास से संबंधित हैं? ऑप्शन ए व्हीटफील्ड डिफी, ऑप्शन बी मार्टिन हेलमान, ऑप्शन सी रोनाल्ड रिवेस्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 54वां प्रश्न, वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इनसाइट्स पद्धति के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित हैं? ए राष्ट्रीय पार्क, बी वन्य प्राणी अभयारण्य, सी बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 55वां प्रश्न, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? ए शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को वन्य जीवों के संदर्भ में, बी वन्य जीव संरक्षकों को, सी वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, डी उपर्युक्त सभी को। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी को। 56वां प्रश्न, सूची एक एवं सूची दो से सुमेलित करें तथा उनके नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची एक ए हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, बी भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, डी पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र। सूची दो, नंबर एक बेंगलुरु, नंबर दो भोपाल, नंबर तीन अल्मोड़ा, नंबर चार देहरादून। चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। बी वाला ऑप्शन सही है इस प्रकार से, सूची एक ए हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान का सही मिलान है, सूची दो नंबर तीन अल्मोड़ा से, सूची एक बी भारतीय वन्य प्राणी संस्थान का सही मिलान है, सूची दो नंबर चार देहरादून से, सूची एक सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का सही मिलान है, सूची दो नंबर दो भोपाल से, सूची एक नंबर डी पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र का सही मिलान है, सूची दो नंबर एक बेंगलुरु से। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, पशुधन बीमा योजना को फरवरी 2008 में लागू किया। कथन दो, इस योजना का उद्देश्य किसानों को पशुओं के पालन पोषण हेतु सहायता प्रदान करना है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी न ही पहला और न ही दूसरा। उत्तर ऑप्शन डी न ही पहला और न ही दूसरा। प्रश्न संख्या 57, वे जीव जो अपना भोजन वातावरण के अकार्बनिक पदार्थों एवं सौर ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, निम्नांकित में से किस श्रेणी में आते हैं? ए प्राथमिक उत्पादक जीव, बी द्वितीयक उत्पादक जीव, सी अपघटक जीव, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ए प्राथमिक उत्पादक जीव। 58वां प्रश्न, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। ए 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर्गत, बी 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। 59वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में स्व नियंत्रण होता है। ए ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा, बी शिकार पर भक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, सी जांच एवं संतुलन द्वारा, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। 61वां प्रश्न, जनन शक्ति की कमी को दूर करने हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ए विटामिन B7, बी विटामिन B12, सी विटामिन ई, डी विटामिन ए। उत्तर है सी विटामिन ई। 62वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा या कौन से पक्षी संकटाग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए साइबेरियन सारस साइबेरियन क्रेन, ऑप्शन बी सलेटी टिटहरी सोशियबल लैपियोनिग, ऑप्शन सी महान भारतीय सारंग ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 63वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी समिति या समितियां भारत में कॉरपोरेट अभिशासन कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया के मुद्दे से संबंधित है? नंबर एक नरेश चंद्र समिति, नंबर दो कुमार मंगलम बिड़ला समिति, नंबर तीन नारायण मूर्ति समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी पहला और तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। उत्तर है ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा। 64वां प्रश्न, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का या के क्या कारण है?
ए सूर्य के प्रभाव, बी पृथ्वी की घूर्णन गति, सी सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, डी गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। उत्तर है डी गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। 65वां प्रश्न, कथन ए, भारत की शुष्क पेटी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। कारण आर, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, ए एवं आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। कूट बी, ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कूट सी, ए सही है परंतु आर गलत है। कूट डी, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर है ऑप्शन बी, ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पृष्ठ संख्या 147, इस पृष्ठ पर विज्ञापन छपा हुआ है। पृष्ठ संख्या 148। 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विषाणु जनित रोग का एक सेट है। ऑप्शन ए कैंसर, तपेदिक, स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन बी तपेदिक, हर्पीज, रेबीज। ऑप्शन सी हर्पीज, रेबीज, मम्स। ऑप्शन डी रेबीज, कैंसर, तपेदिक। उत्तर है ऑप्शन सी हर्पीज, रेबीज, मम्स। 67वां प्रश्न, इंटरफेरॉन का प्रयोग किस रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ए डायबिटीज, बी कुष्ठ रोग, सी कैंसर, डी टाइफॉयड। उत्तर है सी कैंसर। 68वां प्रश्न, जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में निम्नांकित तथ्यों पर विचार करें। नंबर एक, जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्राणी विज्ञान उद्यानों, बीज बैंकों में देखरेख के अंतर्गत प्रजनन क्रिया को विकसित करना चाहिए। नंबर दो, जैव विविधता के संरक्षण हेतु पर्यावरणीय अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। नंबर तीन, जनमानस में नैतिक बोध एवं कर्तव्य भावना का उदय होना जैव विविधता संरक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। नंबर चार, इस हेतु जीन बैंक को भी प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? ए पहला एवं दूसरा, बी पहला एवं तीसरा, सी पहला दूसरा एवं तीसरा, डी पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा। उत्तर है सी पहला दूसरा एवं तीसरा कथन सत्य है। 69वां प्रश्न, निम्नवत कथनों पर विचार करें। नंबर एक, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों के हवा छोड़ने से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। नंबर दो, हवा में लटके तरल या ठोस कणों को एरोसोल कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति ताप बिजली घरों, स्वचालित मोटर वाहनों, लकड़ी उपल आदि के दहन के फलस्वरूप होती है। नंबर तीन, गंधक युक्त जीवाश्म ईंधनों के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी पहला एवं दूसरा, ऑप्शन सी पहला एवं तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी पहला दूसरा एवं तीसरा। प्रश्न संख्या 70, पशु विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंसेज एंड एनिमल भारत के किस राज्य में स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। उत्तर है डी छत्तीसगढ़। 71वां प्रश्न, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी क्रोमियम ऑक्साइड, सी जिंक ऑक्साइड, डी आयरन ऑक्साइड। उत्तर है बी क्रोमियम ऑक्साइड। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। ए चार्ल्स डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन एवं पर्यावरण दशाओं के साथ अनुकूलन एडेप्टेशन द्वारा जीवों का उद्भव होता है। बी जीन लामार्क की प्रमुख रचना प्राणी शास्त्र का दर्शन है। इनके अनुसार जीवों का उद्भव एवं विकास भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सी वाटकिन तथा केलर ने जीवों के विकास पर पर्यावरण के प्रभाव को स्वीकार किया है। डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 73वां प्रश्न, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो सर्वाधिक हानि किसको होती है। ए ऋणदाता, बी ऋणी, सी राजकीय पेंशनर, डी बचत खाता रखने वाला। उत्तर है ए ऋणदाता। 74वां प्रश्न, आम की एक प्रसिद्ध प्रजाति अल्फांजो का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। उत्तर है डी महाराष्ट्र। 75वां प्रश्न, सूची एक एवं सूची दो से सुमेलित करें तथा उनके नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। सूची एक ए तंबाकू बोर्ड, बी मसाला बोर्ड, सी भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, डी रबर बोर्ड। सूची दो नंबर एक कोट्टायम, नंबर दो कोची, नंबर तीन गुंटूर, नंबर चार पुणे।
चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। सी वाला ऑप्शन सही है इस प्रकार से। सूची एक ए तंबाकू बोर्ड का सही मिलान है सूची दो नंबर तीन गुंटूर से। सूची एक बी मसाला बोर्ड का सही मिलान है सूची दो नंबर दो कोची से। सूची एक सी भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का सही मिलान है सूची दो नंबर चार पुणे से। सूची एक डी रबर बोर्ड का सही मिलान है सूची दो नंबर एक कोट्टायम से। 76वां प्रश्न, कृषकों की कृषि उत्पादन संबंधी जरूरतों की पूर्ति हेतु नाबार्ड द्वारा किस वित्त वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी नामक एक अभिनव योजना शुरू की गई थी। ए 1998 से 1999, बी 2000 से 2001, सी 2002 से 2003, डी 2004 से 2005। उत्तर है ए 1998 से 1999। पृष्ठ संख्या 149। 77वां प्रश्न, राडार का प्रयोग किस हेतु किया जाता है। ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, सी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, डी उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। उत्तर है बी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। 78वां प्रश्न, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है ए परिवर्तनशील, बी अपरिवर्तित, सी शून्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी अपरिवर्तित। 79वां प्रश्न, तड़ित के कारण निम्नवत में से कौन सी प्रतिक्रिया होती है। ए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, बी नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन तेजी से प्रतिक्रिया करके अमोनिया बनाती है, सी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं जो वर्षा बन जाती है, डी पानी का द्रव रूप वाष्प रूप में बदल जाता है। उत्तर है ए नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। प्रश्न संख्या 80। भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा आरक्षण का मुद्दा व्यापक रूप से वृद्धि स्तर पर है। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006, द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 के अंतर्गत सरकार की आरक्षण नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समान आरक्षण का प्रावधान किया है। नंबर दो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण कुल उपलब्ध सीटों का 40% से अधिक नहीं हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा, डी न ही पहला और न ही दूसरा। उत्तर है डी न ही पहला और न ही दूसरा। 81वां प्रश्न, चौथी योजना 1969 से 1974 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, चौथी योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन तथा विदेशी सहायता में अनिश्चितता की स्थिति को दूर करते हुए विकास की गति को बढ़ाना था। नंबर दो, इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के जरिए स्तर को उठाने की कोशिश की गई। नंबर तीन, साथ ही इसमें गरीबी उन्मूलन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है। ए केवल पहला, बी केवल तीसरा, सी पहला एवं दूसरा, डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर है सी पहला एवं दूसरा। 82वां प्रश्न, यदि हमें औद्योगिकरण करना है तो सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि हम सभी उद्योग कायम करें जो मशीनों का निर्माण करें। भारत के आर्थिक विकास से संबंधित ये उक्ति किसकी है। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी रजनी पाम दत्त, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 83वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। उत्तर है सी छठी पंचवर्षीय योजना। 84वां प्रश्न, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रमुख कार्य क्या है। ए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना, बी जिला के सरकारी विभागों तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाना, सी ग्रामीण भारत में गरीबी को कम करने में सहायता प्रदान करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी ग्रामीण भारत में गरीबी को कम करने में सहायता प्रदान करना। 85वां प्रश्न, मनरेगा से बहुत पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना कब चलाई गई थी। ये योजना अपनी प्रकार की पहली योजना थी जिसमें संविधान के दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 1970 से 1971, ऑप्शन बी 1972 से 1973, ऑप्शन सी 1975 से 1976, ऑप्शन डी 1977 से 1978। उत्तर ऑप्शन बी 1972 से 1973।
छियासीवा प्रश्न, उस शक युग का नाम बताएं जिसके प्रारंभ में छोटे छोटे छिछले सागरीय भाग फैले थे। यूरोप तथा रूस के अधिकांश भाग जल प्लावित थे। उत्तरी गोलार्ध में कोयले का निर्माण हुआ। इस युग में अधिकांश समय तक शुष्क जलवायु थी, परंतु कुछ क्षेत्रों में जलवायु उष्णार्द्र थी जिस कारण वनस्पतियों का घना आवरण था। दलदलीय भागों में छोटे छोटे जीवों का आविर्भाव हुआ। स्थल पर रेप्टाइल रेंगने वाले जीव का आविर्भाव हुआ। ऑप्शन ए कार्बोनिफरस शक, ऑप्शन बी जुरैसिक शक, ऑप्शन सी ईयोसीन शक, ऑप्शन डी मायोसीन शक। उत्तर है ए कार्बोनिफरस शक। 87वां प्रश्न, भारतीय जेवरातों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट की स्थापना किस शहर में की गई है? ए कोलकाता, बी भोपाल, सी मुंबई, डी उपर्युक्त में से कहीं नहीं। उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कहीं नहीं। 88वां प्रश्न, 1818 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ? ए गुजरात के अहमदाबाद में, बी उत्तर प्रदेश के कानपुर में, सी पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लॉस्टर में, डी महाराष्ट्र के मुंबई में। उत्तर है सी पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लॉस्टर में। 89वां प्रश्न, कथन ए 1991 के उपरांत भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई। कारण आर, भारत सरकार ने 1991 के उपरांत उदार आर्थिक नीति अपनाई। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पृष्ठ संख्या 150। प्रश्न संख्या 90। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कार्य भागीदारी दर वर्क पार्टिसिपेशन रेट WPR कितनी है? ए 37.7%, बी 38.3%, सी 23.4%, डी 39.8%। उत्तर है डी 39.8%। 91वां प्रश्न, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, 1976 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग किया गया तथा भारत सरकार ने इसका स्वामित्व स्वयं ले लिया। नंबर दो, जिन उद्योगों को इस बैंक से सहायता मिल सकती है उनमें विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, खनन, माइनिंग तथा जहाजरानी भी सम्मिलित है। नंबर तीन, नरसिम्हा समिति भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यभाग एवं कृत्यों में कुछ परिवर्तन लाना चाहती थी। उपर्युक्त कथन में कौन से सत्य है? ऑप्शन ए पहला एवं दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा एवं तीसरा। उत्तर ऑप्शन डी पहला दूसरा एवं तीसरा। 92वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक, ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित है। नंबर दो, ये स्थायी निवासी तथा अन्य विशेषाधिकारों और स्वाधिकारों की अवधारणा को परिभाषित करता है। नंबर तीन, अनुच्छेद 35A को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला, ऑप्शन सी केवल तीसरा, ऑप्शन डी पहला और तीसरा। उत्तर ऑप्शन ए पहला और दूसरा। 93वां प्रश्न, गॉड प्लेट नजका प्लेट किसके बीच अवस्थित है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, ऑप्शन बी न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। उत्तर ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। 94वां प्रश्न, अगुलहास धारा चलती है। ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। उत्तर है ए हिंद महासागर में। 95वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू एवं कश्मीर, डी आंध्र प्रदेश। उत्तर है ए गुजरात। 96वां प्रश्न, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है? ए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, बी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से, सी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, डी निर्वाचन से। उत्तर है सी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 97वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है?
ए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, डी विधि के समक्ष समता का अधिकार। उत्तर है सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 98वां प्रश्न, मिशन ब्लू किससे संबंधित है? ए नासा के एक नए अंतरिक्ष अभियान से, बी एड्रियाटिक सागर में फैले प्रदूषण को कम करने हेतु इटली द्वारा चलाए गए एक अभियान से, सी होप स्पॉट्स से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी होप स्पॉट्स से। 99वां प्रश्न, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच में निम्नवत में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी सीसा तथा कार्बन कण, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर है बी सीसा तथा कार्बन कण। प्रश्न संख्या 100, भारत रूस जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी नासिक, डी इलाहाबाद। उत्तर है डी इलाहाबाद। इस पृष्ठ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर मार्क किए गए हैं, जिन्हें प्रश्नों के साथ साथ पढ़ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 151।